देख सकते हैं आज हम लोग एनआईसीयू में आ चुके हैं और एनआईसीयू में शीशे के अंदर बच्चा कैसे भर्ती करते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको। पहला इधर फर्स्ट नंबर में दिखा, ये देखिए ये बच्चा जो आपको दिख रहा है जॉन्डिस का बच्चा है, और लाइट भी देख सकते हैं जॉन्डिस का लगा हुआ है, और इससे जो है सन पावर जिसे खींचता है उसी तरह इसको जॉन्डिस जो है लाइट खींचता है। और नेक्स्ट बच्चे से आपको मिलते हैं, देखिए सेकेंड नंबर ये बच्चा है जो बहुत ज़्यादा इसको चमकी आ रहा है, देख सकते हैं कलभर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं वो आता है, ये आइस बैग है जिससे कि माथा इसका ठंडा होता है। और ये तीसरा बच्चा देखिए ये थोड़ा अभी सुधार में है, हमारे शीशा भर्ती में होने के बाद थोड़ा बहुत सुधार है, देख सकते हैं। ए उठो सुबह देखते हैं एक और बच्चा, देखिए इधर कितना ज़्यादा बच्चा है, एक बार पूरा देख लीजिए, पूरा देखिए हाँ वहाँ तक देखिए पूरा एकदम बच्चा है। और आपको हम दिखाते हैं नाइसू में कैसे बच्चा, ये देखिए रोक को काल, ये देखिए गोलू मोलू देख रहा है अच्छा से, बहुत ज़्यादा सीरियस था अभी जाके ठीक हुआ है, क्या रे छोटे ठीक हुआ अभी जाके। चलिए नेक्स्ट बच्चा दिखाते हैं आपको, 900 ग्राम का देखिए ये बच्चा है, देख सकते हैं, और अभी तक पेशाव उसाव नहीं कह सब कर, ये जो है फट चुका है किडनी थोड़ा फैल है इसका, देख सकते हैं ऑक्सीजन लगा हुआ है, देखिए मोनिटर में देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है। देखते हैं ये भी बच्चा है जो चमकी वाला पेशेंट है, देख सकते हैं पूरा एकदम, इसको भी कलभर्षण आ रहा था, दवाई इसको दिए हैं तो सोया हुआ है, चमकी का दवाई दिया है। और ये बेड नंबर 15 पे आ चुके हैं, देख सकते हैं इसको भी लगातार एकदम चमकी आते हैं, बहुत ज़्यादा चमकी आता है देख सकते हैं, और वो बिना ऑक्सीजन के तो पता है चमकी का बच्चा नहीं रह पाता है, और इसको तो अभी होश हवास भी नहीं है एकदम पूरा। और आगे दिखाते हैं हम आपको बहुत सारे बच्चे, आइए इधर और देखिए थोड़ा अभी सुधार में, और इसको हम जो दूध जो है एनजी ट्यूब राइस ट्यूब जिसको हम बोलते हैं राइस ट्यूब की मदद से दे रहे हैं, देख सकते हैं, और इसमें जो राइस ट्यूब है 7 नंबर का लगा हुआ है, और देख सकते हैं ये 800 ग्राम का बच्चा है, समझ सकते हैं बहुत छोटा बच्चा है, और इसको जॉन्डिस हो रखा है, और हमने इसको लाइट लगा रखे हैं, लाइट दिखाओ थोड़ा कैमरा मैन ऊपर करके, लाइट देखो लगा रखे हैं इसको, देख सकते हैं ये जो बच्चा है इसको निमोनिया हो रखा है, अभी ठीक है सोया है एकदम मस्त हो गया है, 7 दिन आया। अगर बच्चा है जो जॉन्डिस वाला है, हम 20 नंबर बेड पे आ चुके हैं, हमारे पास अभी मिनिमम 40 पेशेंट है, देख सकते हैं आप लोग, और दिखाते हैं हम आपको बैग से पूरा दिखाइए, और पूरा है ना इशू देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा बच्चा पेशेंट में भरा हुआ है, पूरा 40 बेड हमारे पास अवेलेबल है। को भी बहुत ज़्यादा चमकी आता है, चमकी वाला पेशेंट आवास में ये भी नहीं है, आवास में ये भी नहीं है। सो ये गाइस आप लोगों ने दिखा दिए हमने एनआईसीयू का बच्चा और कैसे हालत में रहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस बच्चे के लिए एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर एक गार्जियन के पास पहुँचे और पता चले कि एनआईसीयू में बच्चा कैसे रहते हैं, कैसे बेहतरीन रहते हैं। थैंक यू।